इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में जाने थे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बताए थे, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्ट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर घट जाता है, और जितना से वेपर प्रेशर घटेगा उसी को हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। इस वेपर प्रेशर से रिलेटेड फ्रैंकोइस मार्टिरॉल्स नाम का एक साइंटिस्ट, जो फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रांस के एक केमिस्ट थे, उन्होंने वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ नियम दिए, कुछ लॉ दिए, जिसको हम लोग रॉल्स लॉ बोलते हैं, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। वैसे रॉल्स लॉ को अगर पढ़ाए या आपको बताए तो कुछ समय में या एक लेक्चर में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे हुआ क्या तो आप उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रॉल्स लॉ को हम इस तरह से पढ़ाते हैं, केस बना करके, केस 1 2 3 इस तरह से पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो है ये फॉर्मूला पे सेट कर जाता है। जैसे हम लोग उस पिछले कुछ एक दो क्लास पहले वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के बारे में भी जाने थे, जिस सब्सटेंस का वेपर बनता है हम उसको वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं, और जिस सब्सटेंस का वेपर नहीं बनता है उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। तो रॉल्स लॉ का पहला केस, ये रॉल्स लॉ है वेपर प्रेशर के लिए, इसमें केस नंबर 1 स्टडी कर रहे हो, जिसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल लेते हैं, वोलाटाइल मतलब इसका वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा, और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल लेते हैं जिसका वेपर नहीं बनेगा। केस नंबर 1 में लिखे इन केस ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यहां पे एक कंटेनर में सॉल्वेंट लिए हैं, सॉल्वेंट वोलाटाइल है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है, और दूसरा कंटेनर में सॉल्यूट लिए हैं, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, मतलब इसका वेपर नहीं बनेगा। देखिए यहां पे वेपर बन रहा है, यहां पे वेपर नहीं बन रहा है, और आपको पता है कि अगर वेपर बनेगा तो उसका प्रेशर लगेगा वेपर के द्वारा, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इस प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 मान लेते हैं, अब इस दोनों को मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन बनने के बाद भी केवल सॉल्वेंटे का वेपर बनेगा, सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा। जैसे हम पानी को और चीनी को मिला देते हैं और उसको गर्म करेंगे तो केवल पानी का वेपर बनेगा, चीनी का वेपर नहीं बनेगा मिलने के बाद भी। तो वैसे सॉल्यूशन हो गया, ये मिला दिए तो ये सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस मान लेते हैं। यहां पे ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वैसे हम बोलते हैं, लेकिन ये वेपर प्रेशर वाटर का है, मतलब सॉल्वेंटे का है, प्योर सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है, लेकिन तब जब इसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, नॉन वोलाटाइल सॉल्ट मिला हुआ है। यहां पे प्योर सॉल्वेंट का मोल जो है वो कैपिटल एन लेते हैं, कैपिटल एन हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट का मोल स्मॉल एन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हो गया स्मॉल एन। तो रॉल्स के अनुसार जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल और सॉल्वेंट वोलाटाइल रहे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट वोलाटाइल रहे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये रॉल्स का लॉ है। इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। वही बात अंग्रेज में यहां पर लिखा हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग पी नोट माइनस पी एस अबट्टे में पी नोट से सूचित करते हैं, इज इक्वल बराबर होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मतलब यहां पे लिखिए दैट इज, आई को हम लोग दैट इज पढ़ेंगे, दैट इज
अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अनुसार इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट का जो रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा यदि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल रहे तो। मतलब यहां पे लिख सकते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये रॉड्स का लॉ है। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग पीनोट माइनस पीएस और बटे में पीनोट से सूचित करते हैं, पीनोट माइनस पीएस बटे में पीनोट, तो बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये रॉड्स लॉ कैसे, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल रहे तो। हम जानते हैं विनोद सबका मोल फ्रैक्शन जोड़ करके एक आता है, सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे सॉल्यूशन में तो एक आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर वन, प्रूव करके भी दिखाए थे हम इसको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को इधर ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस होगा, तो वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो पीनोट माइनस पीएस बटे पीनोट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पे वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम रख सकते हैं, इसीलिए पीनोट माइनस पीएस बटे में पीनोट, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है बराबर वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। और मोल फ्रैक्शन निकालना तो आता होगा आप लोग को, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में और बटे में टोटल मोल, जैसे यहां पे हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में बटे में सॉल्ट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्यूट का मोल कितना था स्मॉल एन और सॉल्वेंट का मोल कैपिटल एन, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में बटे में सॉल्ट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हो गया। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट हो जाएगा पीनोट माइनस पीएस बटे पीनोट बराबर स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल, मतलब ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसी को वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, तो पीनोट माइनस पीएस बटे पीनोट बराबर वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर में बटे में टोटल मोल, ये हो गया सॉल्वेंट का मोल बटे में सॉल्ट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहां से। इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, जैसे मोल निकालना है तो मोल कैसे निकालते हैं, मास बटे मोलर मास, जिसका मोल निकालेंगे उसका मास था बटे में उसी का मोलर मास। तो मान लेते हैं इफ, इफ मतलब यदि मास ऑफ सॉल्यूट एक्स ग्राम है सॉल्यूशन में, और मोलर मास जो सॉल्यूट का है वो डब्ल्यू ग्राम है, और उसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो मास है वो वाई ग्राम है, और उसी सॉल्वेंट का मोलर मास डब्ल्यू टू ग्राम है। तो आपको पता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में, तो अगर सॉल्यूट का मोल निकालेंगे तो सॉल्यूट का जिसका मोल निकालेंगे उसका मास बटे में मोलर मास, तो सॉल्यूट का मोल क्या होगा एक्स ग्राम बटे में डब्ल्यू, ये सॉल्यूट का मोल हो गया। सॉल्वेंट का मोल क्या होगा मास बट सॉल्वेंट का मास बटे में सॉल्वेंट का मोलर मास वाई बटे डब्ल्यू, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकाले उसका मोल ऊपर में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट बराबर क्या होगा, तो सॉल्यूट का मोल एक्स बटे डब्ल्यू वन बटे में सॉल्वेंट बटे में टोटल मोल, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो यहां पे रॉल्स लॉ के अनुसार रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट के बराबर होता है, तो पीनोट माइनस पी एस और बटे में पीनोट बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये रहा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, ये जो है मास और मोलर मास से हम मोल निकाल लिए, मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में और बटे में टोटल मोल। तो ये जो है रॉल्स लॉ का पहला केस था जिसमें सॉल्यूट था नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल, तो उस केस में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, इसे याद रखना है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन मेडिकल आईडी में पूछता है, साथ ही साथ बोर्ड में पूछता है, सर इंपोर्टेंट है ये।